नमस्कार किसान भाई, आप सभी का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि जब हमारी धान की फसल की बालियां निकलती हैं तो उस समय पर हमारे कुछ किसान भाई ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से उनकी जो बाली होती है उसका साइज छोटा रह जाता है और उसमें दाने का भराव सही तरीके से नहीं होता है और उनकी बाली खोखले रह जाती है, जिस वजह से उनका जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं घट जाता है और जिस प्रकार से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए कि ऐसी कौन से जो गलतियां जो हमारे किसान भाई करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, और आप इसको नहीं करते तो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं, आपकी जो बाली का साइज है उसको बढ़ा सकते हैं और उसमें दाने का जो भराव होगा वो 100% भराव होगा और अच्छा पैदावार आप किस प्रकार से ले सकते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें हमारे सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके और वो आने वाले समय में अपने धान की फसल से बेहद अच्छा रिकातु पैदावार ले सके। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाई की धान की फसल की बालियाँ निकलने वक्त काफ़ी हमारे किसान भाई जो गलतियाँ करते हैं उनमें से ऐसी गलतियाँ हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली गलती ये करते हैं किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन एरियो में बरसात नहीं हो रही होती है तो उन एरिए में काफ़ी हमारे किसान भाई ये गलती करते हैं कि अपनी धान की फसल में नमी बना करके नहीं रखते। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि धान की फसल में अगर आप नमी बना करके नहीं रखेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी जो बालियाँ होंगी वो एक समान नहीं निकलेंगी, बालियाँ टाइट निकलती, जिससे हमारे जो पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि खेत की जो हमारे धान की फसल है उसकी जड़ों के पास अगर नमी नहीं होगी, काफ़ी हमारे किसान भाई की ज़मीन में दरारें पड़ जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको नमी मेंटेन बना कर रखना है, अगर आपको बारिश नहीं हो रही आपके एरिए में तो आपको सिंचाई करना है। उससे ये फ़ायदा ये होगा किसान भाई कि आपकी बालियाँ एक तो मुलायम निकलेंगी और बालियाँ एक समान निकलेंगी। बालियाँ अगर एक समान निकलेगी तो आपका जो भराव होगा वो एक समान होगा और आपकी जो पैदावार होगी बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आएगी। क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई जब हमारी ज़मीन सूखी होती है तो बालियाँ बहुत ही टाइट निकलती, काफ़ी हमारे किसान भाई को पता है, जिस वजह से उनकी बालियों का साइज छोटा बड़ा रह जाता है और एक समान भराव भी नहीं आता है, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। दूसरी गलती हमारे किसान भाई ये करते हैं कि बालियाँ निकलने के बाद या तो यूरिया का प्रयोग करते हैं या फिर वो ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कि जब बालियां निकल आती धान की फसल की तो उस समय पर आपको यूरिया किसी भी प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है जो कि हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो आपकी जो गेहूँ की फसल की जो हाइट बढ़ना थी वो बढ़ चुकी है, अब उसकी हाइट बढ़ाने से आपको कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपकी हाइट बढ़ जाती है तो उससे ये होगा कि आपकी धान की फसल गिरने की संभावना बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाती है, जिस प्रकार अगर आपकी धान की फसल एक बार गिर जाती तो उसका उत्पादन वो करीब करीब 30-35% घट जाता है और आपका धान खराब भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिससे मार्केट में आपको प्राइस अच्छा नहीं मिलता है। तो आपको यूरिया का और ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग नहीं करना है। तीसरी गलती किसान भी हमारे करते हैं कि काफ़ी हमारे किसान भी बोरोन का प्रयोग नहीं करते। तो किसान भी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोरोन एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि हमारी बालियों के साइज को लंबा करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है और हमारी जो बाली होती है उसमें दाने में भराव 100% में काफ़ी 100% भराव करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। उस बाली का साइज लंबा होता है, दाना हमारा मोटा चमकीला वजनदार दिखाई देता है। बोरोन एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक पोषक तत्व है। तो आप बोरोन का प्रयोग अवश्य करिए, जब आपकी बालियाँ निकल रही हो तो उस समय पर आपको बोरोन का प्रयोग अवश्य करना। इससे ये होगा कि आपका दाना एकदम चमकीला मोटा वजनदार होगा, जिससे आपको मार्केट में अच्छा प्राइस मिलेगा। और चौथी गलती किसान भाई हमारे करते हैं कि पोटाश का सही प्रयोग नहीं करते। किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी हमारे किसान भी गलती करते हैं कि बालियाँ निकलने के बाद MOP पोटाश का प्रयोग करते हैं। किसान भाई, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी बालियाँ निकल रही गबोज अवस्था में तब आपको NPK 0:54 का प्रयोग करना है, और अगर आपकी बालियाँ निकल आई तो आपको NPK 0:50 का प्रयोग करना है। क्योंकि इस समय पर अगर आप सही पोटाश का प्रयोग करेंगे तभी आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे। क्योंकि अगर आप दानेदार पोटाश का प्रयोग करते हैं तो दानेदार पोटाश जब तक आपका कार्य करेगी, जब तक आपका धान पक कर के तैयार हो जाएगा, तो आपको इस समय पर दानेदार पोटाश का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको करना है तो आपको NPK 0:50 और NPK 0:34 गबोज अवस्था में, यानी कि बालियाँ निकलते समय आप गबोज अवस्था में, तो आप NPK 0:34 का प्रयोग कर सकते हैं। और एक गलती और काफ़ी हमारे किसान भी करते हैं कि बालियाँ निकलने में काफ़ी ज़्यादा कीटों का अटैक देखने को मिलता है, गंदी कीट का सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। तो किसान भाई, आप कीटों का सही कीटनाशक का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे हमारी जो समस्या है उस समस्या को खत्म करके अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सके। तो आप इस प्रकार से जो गलतियां मैंने आपको बताई थी, जो कार्य आपको नहीं करना है उन कार्यों को नहीं करना है, जो कार्य मैंने आपको बताएं और आप इन कार्यों को करते हैं किसान भाई, तो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकते हैं। किसान, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ कि अगर आप आलू की खेती करने जा रहे हैं और अभी तक आपने आलू के आप बीज का चयन करना चाहते तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है आलू की टॉप 5 वेराइटी, और आप जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी टॉप 5 वेराइटी तो वो वीडियो हमारे
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख के बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हैं कि आलू के लिए टॉप 5 वेरायटी ऐसी कौन सी जिनका हम चेंज करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊंगा। हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें हमारे सभी की समझ तक पहुँच सके। धन्यवाद।